प्राइवेट नर्सिंग होम में आशा कर्मियों के सेटिंग से फलता फूलता नर्सिंग होम। अजनपद सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर शोहरतगढ़ के नर्सिंग होम आयुष हॉस्पिटल, जहां पर अस्पताल के मुखिया द्वारा आशा बहुओं को कमीशन पर मरीजों को लाया जाता है और अधिकतम गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा किया जाता है। इससे अस्पताल को मोटी रकम मिलती है और आशा बहू को कमीशन भी मिल जाता है। ऐसा ही मामला सामने प्रकाश में आया है आयुष अस्पताल का, जहां पर गुड़िया उम्र 30 वर्ष पत्नी राम सिंघार ग्राम परसा स्टेशन जनपद सिद्धार्थनगर को गांव की आशा रानी द्वारा आयुष अस्पताल में गर्भवती को लाया गया, जहां 28,000 रुपया मांगा गया और 5,000 जमा करा लिया गया। गर्भवती को भर्ती के बाद कोई इलाज नहीं किया गया। हालत बिगड़ते देख जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टर मौजूद न होने के कारण गर्भवती को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? नौगढ़ के। क्या केस है? डिलीवरी केस। कैसे हुआ, क्या हुआ? ये बच्चा हो नहीं रहा है। बच्चा होने तो क्या, कहाँ से कहाँ ले गए थे? पहले सूरतगढ़ लेके गए थे। और उसके बाद? सूरतगढ़ से रेफर कर दिए, कह रहे जिला अस्पताल ले जाइए। उसके बाद जिला अस्पताल डॉक्टर कहे नहीं है, आप जो है मेडिकल गोरखपुर ले जाइए। हाँ तो आशा जो है नहीं लेके गए और वहाँ आयुष हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए। कितने पैसे कितने लिए? 5,000 रुपए लिए। उसके बाद आशा वहाँ से चली गई, मरीज के साथ कोई नहीं था। मरीज अकेले था और आशा दोबारा नहीं यही फोन करने पर भी फोन करने पे कर रही है, हम आशा नहीं है। फोन करने पे बोली आशा नहीं है, दूसरा कोई है, मतलब पैसा आशा लेके चली गई। इनका नाम क्या पड़ेगा? और आशा का नाम? रानी सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं? परसा स्टेशन। इनका मरीज का घर कहाँ है? वहीं है, उसी गांव में है।